आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इसी 24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नज़र। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है इससे 24x7 न्यूज में। तीन लड़कियां खेलते हुए हादसाती तौर पर तालाब में गिरने से डूबकर हलाक हो गई। ये वाकया फेस 4 KPHB कॉलोनी में पेश आया। तीनों मरने वालों की शनाख्त 7 साल रमिया, 12 साल संगीता और 10 साल सोफिया के नाम से की गई है। इनके साथ खेलने वाली दो दिगर लड़कियों ने भी इस वाकये को देखा और फौरी तौर पर वालदेन को इसकी इत्तला दी। जब तक वालदेन मौके पर पहुंचे, एक बच्ची की लाश तैरती हुई पाई गई। इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से मौके पर पहुंचकर बाकी दो लाशों को निकाल लिया। इससे कबल भी इस तरह दो लड़के डूबकर फौत हो गए थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर पता नहीं किस तरह से आए, कह रहे कि बाथरूम करने के लिए कि खेलने के लिए आए, किस तरह से आए हम देखे नहीं। हर रोज आते तो बोलते थे कि मत जाओ उधर। हेलो, इन आज उन लोग कार ले गए, कब पे गिर गए वो चुपाली बोली नहीं। बच्चे, तीन बच्चे, तीन बच्चे है। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है जी? रम्या, सोफिया, संगीता। किसने बताया पर गिरने कर बताई की मम्मी? कितने समय को आया इंसिडेंट? अरे करीब 3 बजे का ये बात है, हम लोग नहीं जानते थे। हमको लगा स्कूल में या घर पर गई होगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।